गाइज, आई एम योर यूनिक फ्रेंड आयुष। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग गाइज। गाइज, इस टाइम हम NH 29 नेशनल हाईवे 29 पर हैं और JP सीमेंट के जो हैं वो मुआयना करने के लिए आए हैं, इनके जो मैनेजर जो CEO हैं। तो चलिए गाइज, सीन दिखाते हैं आपको। तो गाइज, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है और वो JP सीमेंट के मालिक साहब हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की है, बट वो हम लोग से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रशासन वहाँ पर थी। और गाइज, ये मुआयना करने के लिए आए हुए थे कि नेशनल हाईवे का क्या हाल है। तो गाइज, ये अभी थोड़े इतना परेशानी होने के बाद ये सारा जितना भी कीचड़ उचड़ था वो पानी वानी सारा हटवाए हैं और फिर रोड चालू करवाए हैं। तो रोड का सीन मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, क्या हाल है इस टाइम NH 29 का, कौड़ीराम से गोरखपुर, गोरखपुर से बनारस, बनारस से बरहलगंज, गोरखपुर से बरहलगंज जाने में कैसे जा रहे हैं लोग और क्या हाल हो रहा है। तो गाइज, उसका अगले पार्ट में वीडियो आएगा और थोड़ा सा गला बैठ सा गया है। तो गाइज, ये हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, मतलब ये जो है ये बहुत गर्दिश मचाया था और बहुत लोग आए हुए थे देखने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, साइकिल वहीकिल पूरी गिर रही है। तो गाइज, थोड़ा आवाज़ मेरा धीमे आ रहा हो क्योंकि बहुत नॉइस है यहाँ पर। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। तो वही मुआयना किए हुए हैं और गाइज इस टाइम जाने वाले हैं वो, और हेलीकॉप्टर में बहुत देरी से बैठ रहे हैं, निकलना है, बैठ रहे हैं, निकलना है। और गाइज, अभी चलिए आपको एक सीन और दिखाता हूँ। और गाइज, देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जा रहा है और गाइज से दंगा मचा हुआ है, बहुत लाजवाब का मचा हुआ। और मेरा ऐसे रिकॉर्ड हो गया, मुझे पता नहीं चला, तो बात नहीं पता चला है। पूरा काम वहाँ का बच गया है, तो क्या बड़े आदमी से देखने के लिए क्या जैसे बहुत बड़ा मरम क्वालिटी का सीमेंट है। और इस वजह से इसका देख रोक कर आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस रोड का जो होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। और इस रोड की कोई भी परेशानी आए, कोई भी बाधा आता है तो उनकी ऊपर जो लगाते हैं। तो गाय सी को देखिए करना पड़ेगा इस रोड का, अगर कहीं पर कचरा भी हुआ, कहीं पर कोई ट्रक भी पड़ता है तो देखना होगा गवर्नमेंट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं गाय सी। तो और ऐसा नहीं करना नहीं देगा गवर्नमेंट, देखेगा उसका इसके प्रसार उसके शासन कर चुके हैं। बैठे जा रहे हैं इस टाइम, और ये देखिए गाइस, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है देख के गाइस। हेलीकॉप्टर जब अपने NH 29 पर आया था, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और शेयर भी करना। और इतना भी हमको कंट्रोल नहीं है नेशनल हाईवे, चाहे किसी का भी नेशनल हाईवे, कि एक हेलीकॉप्टर फोन आ रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसी को लाइक करना। और गाइस देख लो, ये क्या तबाही मचाया हुआ है हेलीकॉप्टर, देख लो गाइस, साइकिल देख लो, और ये देख लो गाइस, मैं बोल रहा था ना एकदम तबाही का मचा हुआ है इस रोड पे। देख लो बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। तो गाइस, मैं अगली पार्ट में आपको नेशनल हाईवे चालू हो गया है उसका भी सीन दिखाऊँगा, बट कैसे चालू हुआ, क्या हो रहा है, मैं सारा सीन दिखाऊँगा। तो चैनल के नाम से सब्सक्राइब जरूर। JP सीमेंट के मालिक साहब के आने से हुआ है, जो क्रिएट हुआ है, और इस टाइम वो जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।